वंदे कृष्णा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ध्यान परम औषधि। ये फिल्म योगी प्रोटोप्लाज्म, जो रमना महर्षि और योगी रामा के शिष्य हैं, उन्हें समर्पित है। ध्यान परम औषधि। चलो एक आत्म अन्वेषण की यात्रा पर चलते हैं। क्या मनुष्य की किसी भी समस्या के लिए ध्यान परम औषधि है? चलिए परीक्षण करें। सरल शब्दों में ध्यान बार बार हमें यह स्मरण कराता है कि हम परमानंद, शांति और दिव्य प्रेम से पूर्ण एक अनंत आत्मा हैं, न कि एक नश्वर शरीर जो रोग और मृत्यु का घर है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह एक आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है तथा आनंद व शांति का प्रस्फुरण करने लगता है और इस प्रकार दैवीय ऊर्जा के स्रोत का माध्यम बन जाता है। किसी भी शोक का मूल कारण है नश्वर शरीर से आसक्ति। अतः ध्यान शोक के सभी कारणों का विनाश कर देता है। ओम का उच्चारण नश्वर शरीर से आसक्ति का नाश करने में सहायता करता है। एक बार जब कोई आत्मा अपनी आनंद पूर्ण प्रकृति में स्थापित हो जाती है, तब वह जीवन के उतार चढ़ावों को एक अभिनय की तरह देखना सीखती है और मानसिक रूप से समता में रहती है। दक्षिण भारत के महान संत रमना महर्षि को कैंसर था, पर वे दवाइयों पर आश्रित नहीं रहे और अपनी अंतिम सांस तक समाधि के आनंद में मग्न रहे। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन आता है। जब हम ध्यान करते हैं तब बीटा तरंगों की संख्या कम हो जाती है तथा अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगों की संख्या बढ़ जाती है। नियमित ध्यान से स्वास्थ्य संबंधी व अन्य प्रकार के लाभ होते हैं, जिन्हें विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। जैसे पहला, तनाव और मानसिक समस्याओं से उत्पन्न रोगों में कमी होती है। एड्स रोगियों की सेल्स की संख्या बढ़ी है। हृदय रोगियों की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवसाद व कैंसर रोगियों में सुधार हुआ है तथा दीर्घकालिक वेदना में कमी हुई है। दूसरा, दवाइयों पर निर्भरता में कमी हुई है। तीसरा, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति का विकास हुआ है। चौथा, मन को जीवन के उतार चढ़ावों के प्रति उदासीन, शांत व स्थिर बनाता है। कल कई युवा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने पे या दिल टूट जाने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि बच्चों को अल्पावस्था से ही ध्यान करना सिखाया जाए, तब वे इस प्रकार अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। पांचवा, एक चिकित्सक दंपति जो तलाक की कगार तक पहुंच चुका था, उसे ध्यान करने को कहा गया। ध्यान करते रहने के कुछ समय पश्चात उस दंपति ने लड़ना छोड़ दिया और अपने तलाक का मुकदमा वापस ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्यान संबंधों को भी बेहतर बनाता है। ड्रग्स और नशीले पदार्थों के व्यसन को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्मानंद में तल्लीन हो सकता है, तब वह नशीले पदार्थों से अपना जीवन नष्ट क्यों करेगा? जरा सोचिए। सातवां, उत्पादकता और कार्य क्षमता में सुधार होती है। आठवां, आभा वर्ण में सुपरिवर्तन होता है। किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आभा मंडल के रंग को देख सकता है। एक भौतिकवादी व्यक्ति का आभा मंडल लाल होगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आभा मंडल बैंगनी होगा और एक सिद्ध महात्मा का आभा मंडल सफेद होगा। नौवां, ध्यान के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार वह हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र तथा रोग व जरावस्था के कष्टों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य का असली रोग क्या है जो उसे निरंतर कष्ट देता है? उस रोग का नाम है मैं, जिसका अभिप्राय है मैं और मेरे का भाव। यह मैं का भाव मोह को जन्म देता है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इस प्रकार मोह का क्रम आगे बढ़ता जाता है। चाहे यह शरीर हमारा हो, परंतु एक दिन उसे निश्चित रूप से जलकर राख ही होना है। यदि पड़ोसी का घर परिवार आग में जल रहा होता है, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि ऐसा हमारे साथ हो तो हम विशुद्ध हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सभी दुखों का मूल कारण मोह अथवा मैं का भाव है। अतः इस मैं नाम के रोग का आत्मज्ञान की तलवार से विनाश कर देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं संपत्ति। आप चाहे कितने भी स्वस्थ या संपन्न हों, आपका शरीर निश्चित रूप से रोग ग्रस्त भी होगा तथा एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, है ना? अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। इस समय आप कहाँ बैठे? आपके कार्यालय में बैठे। इस समय हम सब मृत्यु लोक में है, यहाँ रोग एवं मृत्यु का साम्राज्य है। यहाँ तीन प्रकार के दुख किसी भी समय मनुष्य को समाप्त कर सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, सूखा। दूसरा, मनुष्य कृत आपदाएं जैसे युद्ध, आतंकवाद, बलात्कार। तीसरा, रोग जैसे कैंसर, एड्स, हृदय रोग। अतः मृत्यु लोक एक जेल की तरह है जो दुख और कष्टों से भरा हुआ है, परंतु हमारे उपनिषदों में उत्तम लोकों की बात की गई है, जैसे ब्रह्मलोक, जहां रोग एवं मृत्यु नहीं है, केवल असीम आनंद व शाश्वत जीवन है। ईश्वर मृत्यु लोक में हमारी परीक्षा लेता है। जो जितना सरल व निस्वार्थ जीवन जिएगा, उतना ही उसके ब्रह्मलोक जाने के साधन बन जाते, क्योंकि अज्ञान के कारण मनुष्य बहुत लोभी और स्वार्थी हो गया है। समाज में उच्च दर से बढ़ते हुए तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि इसी बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे समाज का निरंतर क्षय हो रहा है। चाहे आप ब्रह्मलोक में विश्वास न रखें, पर यदि सभी मनुष्य पवित्र और निस्वार जीवन जीने लगे, तब मृत्यु लोक ही निश्चित रूप से स्वर्ग लोक बन जाएगा। चलिए एक प्रयोग किया जाए। एक माइक्रोस्कोप ले आओ। अब इसमें एक सेल का परीक्षण करें। यह सेल किससे बनी हुई है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक। अब यह स्पष्ट है कि अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, पुरुष हो या स्त्री, हम सभी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से बने हुए हैं। इसी प्रकार सभी जीवों में ही एक आत्मा है, अतः हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जिस तरह संसार में तीन प्रकार के दुख हैं, उसी तरह तीन प्रकार की प्रज्ञा भी है। पहली प्रज्ञा। बुद्ध पहली प्रज्ञा वाले व्यक्ति थे। वह एक राजकुमार थे जिनकी एक सुंदर पत्नी व सुपुत्र था। इस प्रकार की सुख समृद्धि होने पर वह चाहते तो अपना पूरा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर सकते थे, परंतु संसार में जरावस्था, रोग एवं मृत्यु जैसे दुख देखकर उनके मन में वैराग्य आया और उन्होंने ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। द्वितीय प्रज्ञा। हमारे आसपास सभी जगह समस्याएं हैं, परंतु जब ठोकर खुद के सर पर पड़ती है, केवल तभी हम जागते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरी प्रज्ञा वाले होते हैं। तीसरी प्रज्ञा।
विपरीत परिस्थितियों के होने पर यदि हम बेसुध हो जाते हैं तथा उसके उपाय को खोजने का सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, तब यह हमारी तीसरी प्रज्ञा है। अधिकतर मनुष्यों की प्रज्ञा दूसरी या तीसरी होती है। बुद्ध जैसी पहली प्रज्ञावान व्यक्ति आज के घोर कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। चलिए अब एक सरल अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और अपने कंकाल के बारे में सोचो। वे विभिन्न प्रकार की 206 विषम अस्थियों से बना है। मानसिक रूप से अपना एक्सरे लें और ध्यान पूर्वक अपने कंकाल का परीक्षण करें। ये शरीर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, फिर भी हम इस शरीर की इतनी देखभाल करते हैं। अपना पूरा सामर्थ्य इसको सजाने संवारने में लगा देते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर पिंजर को अपनी पहचान मान बैठे। अब अपने आप से यह शाश्वत प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं नश्वर शरीर हूँ जो निश्चित रूप से रोग तथा मृत्यु का घर है, या मैं एक दिव्य शाश्वत आत्मा हूँ जो शांति आनंद एवं प्रेम से परिपूर्ण है? मैं कौन हूँ? क्या ये कंकाल स्वयं कुछ कर सकता है? नहीं, जरूर कोई मेधावी शक्ति है जो इस कंकाल का संचालन करती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हम मांस और अस्थियों से बने एक भौतिक पिंजरा नहीं है। वास्तव में हम एक दिव्य आत्मा है जो कि शाश्वत आनंद पूर्ण और सर्वव्यापक है। कंकाल के बारे में प्रतिदिन चिंतन करने से हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होएगा तथा हम सरल व निस्वार्थ जीवन जीने की कोशिश करेंगे। ओम का मंत्र जाप परम औषधि है। उस असीम परमात्मा तक पहुंचने के अनंत मार्ग हैं। यद्यपि ध्यान करने के कई तरीके हैं, परंतु इस फिल्म में हम ध्यान की एक तकनीक प्रणव नाद अनुसंधान पर चर्चा करेंगे। ओम मंत्र उच्चारण के 6 चरण हैं। अपने मन, शरीर और आत्मा को उचित सामंजस्य में रखने के लिए मंत्र साधना सबसे श्रेष्ठ तरीका है। मंत्र की सहायता से चंचल मन पर भी काबू पाया जा सकता है। समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक अंग में ओम का नाद हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की जाति व धर्म से अप्रभावित यह कंपन अनवरत रूप से सभी में व्याप्त है। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में ओम पाया जाता है, चाहे वे ईसाइयों का आमेन हो या मुसलमानों का आमीन। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ मा। आ यानी जागृत अवस्था, उ यानी स्वप्न अवस्था, मा यानी निद्रा अवस्था। मांडुक्य उपनिषद ओम का गूढ़ अर्थ बताती है। इसमें तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण प्राप्त होता है और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार चौथी अवस्था, जिसका नाम तुरीय है, पहुंचा जा सकता है। चौथी अवस्था तुरीय सच्चिदानंद रूप है, जिसका अर्थ है परम सत्ता, परम चैतन्य तथा परम आनंद। तुरीय अवस्था तीनों परिवर्तनशील अवस्थाओं का आधार है। जिस व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा स्वयं को तुरीय अवस्था में स्थापित कर लिया है, उसे दुख व कष्ट का स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार समर्पण के भाव के साथ ओम का उच्चारण करें। जितनी बार उच्चारण करें, उतनी बार स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? क्या मैं नश्वर शरीर हूँ जो रोग और मृत्यु का घर है, कि क्या मैं एक दिव्य आत्मा हूँ जो अखंड है, अनंत है, आनंदमय है, सर्वव्यापक है? मैं कौन हूँ? मंत्रों में शक्ति होती है। मान लो मैंने आपको एक गाली दी, तुम गधे हो, मूर्ख हो,
फालतू हो, क्या तुम उठकर मुझे मारोगे? नहीं मारोगे है ना? यदि एक गाली ने तुम्हें हिंसा के लिए प्रेरित कर दिया तो सोचो, क्या ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियां, जैसे राग द्वेष काम क्रोध अहम को नाश कर दे? मन की दो अवस्थाएं हैं, चेतन एवं अवचेतन। मन का केवल 10% भाग चेतन होता है तथा 90% अवचेतन। नियमित ध्यान व मंत्र साधना से मनुष्य अति चैतन्य तक भी पहुंच सकता है। कम से कम 20 मिनट सुबह व 20 मिनट शाम को मंत्र साधना करनी चाहिए। हम प्रायः किसकी खोज कर रहे हैं, परंतु सुख की खोज हम कहां करते हैं? 7 प में या 2 प में? 7 प यानी पति पुत्र पैसा पावर पार्टीज पिक्चर्स प्रॉपर्टी। 2 प यानी पवित्रता और परमात्मा। मगर माया जाल में सब फंसे हुए हैं। कौन आजकल पवित्रता और परमात्मा के पीछे भाग रहा है? सब पैसा और पावर के पीछे ही भाग रहे हैं। मगर तैतरेय उपनिषद कहता है कि जो मन निस्वार्थ काम करके पवित्र हो गया है, जब वह पवित्र मन प्रभु के जप ध्यान में बैठता है, तब वह जो आनंद की अनुभूति करता है, वह आनंद उस व्यक्ति के आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है जिसके पास पति पुत्र पैसा पावर पार्टीज सब कुछ है। अब एक कहानी सुनिए। एक स्वामी जी एक चोर के साथ ट्रेन में जा रहे। स्वामी जी ने बैग खोला और खूब सारे नोट गिनने लगे। चोर ने देख लिया। जब स्वामी जी टॉयलेट गए, तब चोर ने बैग की चाबी खूब ढूंढी, मगर नहीं मिली। जब स्वामी जी लौटे तो चोर उनके पैर पर गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं चोर हूँ। मैं चोरी करना चाहता था मगर ना कर पाया। पर प्लीज मुझे बताएं कि बैग की चाबी आपने कहाँ छुपाई? तुम्हारे तकिए के नीचे। अब चोर ने सब जगह चाबी ढूंढी पर सिवाय अपने तकिए के। वैसे ही मनुष्य अज्ञान के कारण आनंद बाहर विषयों में खोजता है, मगर अखंड अनंत आनंद तो उसके भीतर आत्मा में ही है। आइए अब हम जल पर मंत्रों का प्रभाव देखते हैं। एक जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो ने जल पर प्रार्थना संगीत व मंत्रों का प्रभाव देखने के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने 2 जार में पानी भरा। जार ए को घंटों गालियां दी तथा जार बी में मंत्र साधना एवं प्रार्थना की सकारात्मक ऊर्जा का संकलन किया। उसके बाद दोनों जारों को हिमीभूत किया गया। परिणाम स्वरूप ये पाया गया कि जार ए के क्रिस्टल भद्दे एवं विकृत हो गए, जबकि जार बी के क्रिस्टल हीरे के समान सुंदर रूप और आकृति वाले बने। कल्पना कीजिए, यदि जल पर मंत्रों की सकारात्मक तरंगों का प्रभाव ऐसा है, तब 70% जल भाग वाले मानव शरीर पर कैसा प्रभाव होगा तथा 90% जल भाग वाले गर्भ पर इसका प्रभाव कैसा होगा? इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार का विधान किया, ताकि एक गर्भवती स्त्री गर्भाशय अवस्था से ही अपने शिशु को मंत्र और ध्यान द्वारा आध्यात्मिक संस्कार दे सके। आज के वैज्ञानिक हमारे प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों का पुष्टिकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि यदि माता पिता एक आध्यात्मिक संतान चाहते हैं, तो उसके लिए ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार का विधान भी बताया है, जिसमें उन्हें ध्यान प्रार्थना एवं मंत्र साधना करने के उपरांत गर्भाधारण का प्रयास करना चाहिए। गर्भाधान एवं गर्भ संस्कार सभी भावी माता पिता को सिखाया जाना चाहिए, ताकि वे निस्वार्थ व आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो। इस प्रकार समाज लालची व भ्रष्ट भावी पीढ़ी से मुक्त।
बनाया जा सकता है। प्राणा प्रत्यवीक्षण, किसी व्यक्ति की श्वसन का परीक्षण करके उसकी आध्यात्मिक प्रगति को मापा जा सकता है। इस तकनीक को प्राण प्रत्यवीक्षण कहते हैं। अपनी अंगुली को नासिका के नीचे रखो और यह जानने का प्रयास करो कि श्वसन दोनों नासिका से हो रहा है या केवल एक से। कौन सा नाक अधिक सक्रिय है, दाएं या बाएं? जब बायां नासिका अधिक सक्रिय होता है तो उसे यौगिक शब्दावली में चंद्र नाड़ी कहते हैं और जब दाएं नाक अधिक सक्रिय होता है तो सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी की अति सक्रियता मस्तिष्क को शांत व चिंतनशील बनाती है, जबकि सूर्य नाड़ी की अति सक्रियता मस्तिष्क को तर्क प्रिय बनाती है। दोनों नासिकाओं के समान रूप में श्वसन होना सुषुम्ना कहलाता है तथा इस अवस्था में मन पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होता है। योगियों के अनुसार श्वासों की संख्या एक क्षण में 15 से 16 तक सीमित है। उन्होंने पाया कि ध्यान से जैसे जैसे मन शुद्ध व सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे प्रतिक्षण श्वास की संख्या घटती जाती है। चंचल मन पर काबू कैसे करें? संसार में कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन की अच्छी स्थिति का होना आवश्यक है। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपका मन एक उचित स्थिति में होना चाहिए। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अगर मुझे अपनी शिक्षा फिर से शुरू करनी है तो मैं कई किताबें पढ़ना शुरू नहीं करूंगा, मैं अपनी एकाग्रता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। यदि आपका ध्यान केंद्रित है तो आप किताब बहुत जल्दी पढ़ सकते। एक बार स्वामी विवेकानंदा एक पुस्तकालय में गए और उन्होंने एक पुस्तक के बारे में पूछा। मुझे विश्व धर्मों पर एक किताब चाहिए। लाइब्रेरी ने उन्हें एक भारी भरकम किताब दे दी। एक दो घंटों के बाद, मैंने किताब पढ़ ली है, आप इसे वापस ले लीजिए। ये कैसे हो सकता है, आप इतनी भारी किताब इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं? स्वामी जी ने उसको चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, आप इस किताब से कोई भी सवाल पूछिए। स्वामी जी से सभी प्रश्नों का सही उत्तर पाकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने स्वामी जी से उसका रहस्य पूछा। स्वामी जी ने कहा, उन्हें वाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह एक सरसरी नजर में ही पूरे पृष्ठ को पढ़ लेते हैं। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। हम भी नियमित ध्यान से अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते। क्या आप अपने अहम को नाश करने की तरकीब सीखना चाहेंगे? जी, अहम का नाश। अपनी आंखें बंद करो और अपने रक्त संचारी यंत्र के बारे में सोचो। हजारों की संख्या में रक्त वाहिकाएं रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। इस विलक्षण मानव शरीर रूपी यंत्र का सृष्टा कौन है? हमारा दिल धड़क रहा है, पेट पाचन कर रहा है और मस्तिष्क संचालन कर रहा है इत्यादि, ये सब असाधारण कार्य कौन कर रहा है? स्पष्टतया कोई अत्यधिक मेधावी शक्ति है जिसने विभिन्न विज्ञानों का आपस में संयोजन किया है तथा वही मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना करो, आपकी अगली मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है और आप उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु अचानक आपकी हृदय गति रुक जाए तो क्या आप उनसे मिल पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए कोई बहुत महान सत्ता है जो इस ब्रह्मांडीय चलचित्र को संचालित कर रहा है, अतः उसके प्रति समर्पित हो जाओ और अपना अहम त्याग दो। शिक्षा कर्तापन की भावना को त्यागो। आप ईश्वर की केवल एक कठपुतली या यंत्र हो। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह मैंने किया, बल्कि उनके अनुसार ईश्वर केवल एक यंत्र थे। महान व्यक्ति में अहम नहीं होता है और वह साधना और सेवा का निस्वार्थ जीवन जीते हैं।
अधिकांश लोग धार्मिक होते हैं अथवा कर्मकांडी, परंतु आध्यात्मिक नहीं। वे धर्म के नाम पर लड़ते हैं, परंतु सत्य यह है कि उस अनंत शक्ति तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत। लोग अपनी सांसारिक इच्छाएं जैसे धन, पुत्र आदि की पूर्ति के लिए बहुत पूजा पाठ व प्रार्थनाएं इत्यादि करते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, उसे व्यावसायिक प्रेम ही कहा जा सकता है। मगर आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ तो एक सरल और निस्वार्थ जीवन जीना है तथा उस एक परम सत्ता को अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, गोरा काला, स्वस्थ बीमार आदि का भेद भुलाकर प्रत्येक जीव में देखना तथा समान भाव से सभी की सेवा करना है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हम सभी दो और ध्यान करेंगे। उसके बारे में सोचो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसे अपने मन ही मन में क्षमा करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं इसके सुप्त दैवत्व को जगाने का प्रयास कर पाऊं। इस व्यक्ति के रूप में आप ही मेरी परीक्षा लेने व मेरे प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करने आए हैं। हे ईश्वर, मेरे मन में बैठे राग द्वेष को नष्ट करना, मुझे सर्वत्र तुम्हारे दर्शन हो, ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे देना। यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है। ये संबंधों में सुधार लाने और हमारे अंदर बैठे शत्रु, राग द्वेष, काम क्रोध अहम का नाश करने में सहायता करता है। विपरीत भावनाएं जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या केवल व्याकुलता उत्पन्न करती हैं और हमें रोगी बनाती हैं। मृत्यु का ध्यान। अब कल्पना कीजिए कि आपका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है और आपके चारों ओर सब रो रहे हैं। चार लोग आपके मृत शरीर को चिता की ओर ले जाते हैं। आपका शरीर जलाया जाता है, धीरे धीरे वह राख हो जाता है। आपका शरीर जिसे आप इतने सुंदर आभूषण, श्रृंगार आदि से सजाया करते थे, वह धीरे धीरे राख हो जाता है। मृत्यु के समय कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जा रही, आपका परिवार, आपका धन, आपकी संपत्ति आदि कुछ भी नहीं। तब क्यों हम इतने लालची और स्वार्थी हो जाते हैं? इस संसार में अधिकांश अपराध और भ्रष्टाचरण का कारण लालच और स्वार्थ है, जिसका मूल कारण है अज्ञान। समय बीता जा रहा है, चिंतन करें, चिंता न करें, नहीं तो चिता जलेगी। प्रतिदिन स्वयं से इस प्रकार प्रश्न करें, क्या मैं प्रार्थना और ध्यान हर रोज कर रही हूँ? कितना समय मैं गप्पे और मूर्ख धारावाहिकों को देखने में गवा देती हूँ? कितनी ऊर्जा मैं क्रोध करने में गवा देती हूँ? क्या मैंने आज कुछ निस्वार्थ भाव से कुछ किया? अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे श्रेष्ठ सेवा है। क्या आज आपने अपने केक्यू की जांच की? कार्मिक कोशंट। क्यों कोई बालक गरीब व अंगहीन पैदा होता है और दूसरा स्वस्थ व संपन्न? एक अमेरिकन डॉक्टर ब्रायन वाइस ने पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को विख्यात किया। इस थेरेपी के द्वारा हम कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरण, माया जिन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, उन्होंने दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद 3 को ही खो दिया। इस कारण वह अवसाद ग्रस्त हो गई तथा आत्महत्या का भी प्रयास किया। तब उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया। वह चिकित्सक पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा माया को उसके अतीत में ले गया। जांच में निश्चित रूप से यह पाया गया कि अपने पूर्व जन्म में वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी।
उसने धन के लालच में कई कन्या भ्रूण हत्याएं की थी। अपने प्रारब्ध कर्मों का फल वो इस जन्म में भोग रही थी। कर्म सिद्धांत से कोई भी नहीं बच सकता है। जैसे हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। किसी अन्य को हानि पहुंचाकर हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यदि सभी का चिंतन इस प्रकार का हो जाए तब कोई किसी को कष्ट नहीं देगा और इस संसार में सभी प्रकार के अपराध और भ्रष्टाचरण रुक जाएंगे। परंतु क्योंकि मनुष्य कर्म एवं पुनर्जन्म तथा आत्मज्ञान जैसे विषयों से अपरिचित है, तभी आपराधिक घटनाएं और पापाचरण चारों ओर फैल रहा है। यदि संसार में सभी ध्यान करना, पवित्र व निस्वार्थ जीवन जीना प्रारंभ कर दें, तो सब ओर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे। कल्पना करें ऐसे दिव्य विश्व की, कल्पना करें। अब अपनी पीठ को सीधी करके व आंखें बंद करके बैठें और ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार का उच्चारण 6 चरणों में किया जाता है। पहला चरण वाचिकम। इस चरण में ओम का उच्चारण ऊंचे स्वर से किया जाता है। ठीक प्रकार करने पर श्वसन की गति धीमी होती जाती है, अंततः रुक जाती है, अर्थात हम कुंभक को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा चरण उपांशु। होठ से ओ की ध्वनि का आकार बनाकर धीमे स्वर से मंत्र का उच्चारण करें। तीसरा चरण चित जप। मानसिक रूप से मंत्र का उच्चारण करें। मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, साथ ही साथ सबसे कठिन भी, क्योंकि बंदर की तरह मन इधर उधर भटकता रहता है। चौथा चरण अनाहत नाद अनुसंधान। अब षणमुखी मुद्रा करें। अपने अंगूठे के द्वारा कानों को बंद करें, उंगलियों को आंखों पर, मध्यमिका नासिका के नीचे और शेष मुख पर रखें। इस मुद्रा में आप अनाहत नाद को सुनने का प्रयास करें। जैसे जैसे मन सूक्ष्म और पवित्र होगा, वैसे वैसे आपका अनाहत नाद आपको अंदर सुनाई देगा। उपनिषदों के अनुसार अनाहत नाद अनवरत रूप से हमारे भीतर चलता रहता है, परंतु हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन अशुद्ध और बहिर्मुखी है। आत्मिक आनंद की अनुभूति के लिए हमारा मन निर्मल, एकाग्र और अंतर्मुखी होना चाहिए। जब मन पवित्र होगा और सूक्ष्म होगा, तब अपने अंदर प्रकाश एवं रंग भी दिख सकते हैं। पंचम चरण ब्रह्म भावना। अपने चैतन्य का विस्तार कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर प्रेम, प्रकाश और आनंद के दिव्य चक्र से घिर गया है। इसके बाद कल्पना कीजिए कि आपका पूरा घर प्रेम, प्रकाश और आनंद के इस चक्र से भर गया है। पुनः विस्तार कीजिए। अब कल्पना कीजिए आपका पूरा नगर इस चक्र से भर गया है। पुनः विस्तार कीजिए। अब कल्पना कीजिए पूरी पृथ्वी इस चक्र में प्रवाहित हो रही है। पुनः विस्तार कीजिए। अब कल्पना कीजिए इस चक्र में आकाश गंगा भी आ गए हैं। अन्य आकाश गंगा जैसे एंड्रोमीडा भी समा गए हैं। इस प्रकार अब पूरा ब्रह्मांड जागृति व चैतन्य से भर गया है। सब ओर केवल जागृति और प्रकाश ही है। शिक्षा, आपके परम पिता परमेश्वर ही यह प्रेम, प्रकाश व आनंद के दिव्य चक्र हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड बुलबुलों के समान तैर रहे हैं। आप और आपके परम पिता एक ही हैं। आप और वह अनंत शक्ति एक ही हैं। अब आप रोग एवं मृत्यु में ग्रस्त केवल एक नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि दिव्य चैतन्य हैं, जिसमें समस्त संसार और आकाश गंगा व्याप्त हैं।
आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप हैं। स्वयं को यह स्मरण कराते रहिए कि वास्तव में आप एक दिव्य शांति, आनंद और प्रेम से युक्त दिव्य शाश्वत आत्मा हैं। छठी चरण, प्रज्ञा प्रत्यवीक्षण। इस ध्यान में नेत्र खुले रहते हैं, अतः बाहर की ओर न देखें अपितु आंतरिक दृष्टि रखें। अपना ध्यान चैतन्य पर केंद्रित करें, आत्मा का प्रेक्षण करते रहिए। इस प्रकार ध्यान करते रहने पर बाह्य विषय धुंधले होने लगेंगे, अंततः अदृश्य हो जाएंगे। इससे आपके ध्यान की सफलता की पुष्टि हो जाएगी। यदि आपके पास इन छह चरणों के अभ्यास का समय न हो तो कम से कम वाचिकम और मानसिक जाप प्रतिदिन अभ्यास अवश्य करें।